हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। आज मैं आपके लिए हिंदी की वर्कशीट लेकर आई हूँ, यूकेजी क्लास के लिए पार्ट थ्री। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं इसकी सीरीज़ लेकर आऊँगी और आपको इसकी सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो आज सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर उसको वॉच कर लीजिए। आप अगर सारी सीरीज़ को सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको इजी रहेगा बच्चों को प्रैक्टिस करवाने में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रंगों का मिलान करना है। रंगों का मिलान किस तरीके से करेंगे? हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर दे दी है और यहाँ पे उसी रंग से मैंने उनके नाम लिख दिए हैं। इससे ये फ़ायदा होगा बच्चों को, उनके नाम रीडिंग करने में आसानी होगी और बच्चों को रंगों का भी अंदाज़ा होगा और चित्र देखकर बच्चे क्वेश्चन करने में इंजॉय करते हैं, इसीलिए उनको ये प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गुलाब। अब गुलाब यहाँ पर कहाँ पर है? गुलाबी रंग का गुलाब ढूँढ लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए मिला लेते हैं यहाँ। अब इससे हमें कलर से भी पता चल जा रहा है कि ये कलर और ये कलर मैच कर रहा है, तो गाजर। अब येलो कलर यहाँ पे लिखना कहाँ पर है? यहाँ पे केला, तो केले से इसको मैच कर देंगे। अगला क्या है यहाँ पे? पत्ता। पत्ता कहाँ है? यहाँ। पत्ता भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ है और यहाँ पे ग्रीन कलर का ही पत्ता है। अब तरबूज किससे लिखा हुआ है? रेड कलर से। तो तरबूज जब रेड कलर से लिखा हुआ है तो हम कहाँ ढूंढेंगे रेड कलर का तरबूज? यहाँ। तो इस तरीके से मिला देंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करवा सकते हैं। बीच बीच में इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में या फिर बच्चों के जहाँ पे हम स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं वहाँ किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं तो बच्चों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी सीरीज़ मैं नेक्स्ट लाऊंगी वो आप उसे ज़रूर देख सके। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चार अक्षर के शब्द लिखने हैं, इन अक्षरों को जोड़कर चार अक्षर के शब्द बनाने हैं। इससे पिछले पार्ट में हमने तीन अक्षर के शब्दों को जोड़कर लिखा था, इस बार हमें चार अक्षर के शब्दों को जोड़कर लिखना है। हम रीडिंग इसकी पहले ही बुक में करवा चुके हैं, अब हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो क्या है यहाँ पर? स र क स, सर्कस। अगला क्या है? ब र ग द, बरगद। उसके बाद प ल ट न, पलटन। उसके बाद स र ग म, सरगम। ह ल च ल क्या होगा? हलचल। ख ट म ल खटमल। तो इस तरह से चार अक्षर वाले वर्ड जो है बच्चे इनको जोड़कर अक्षरों को जोड़कर लिखना सीख जाएं। अगले क्वेश्चन में देखिए फलों से मिलान करना है। अब यहाँ पे मैंने फलों के नाम दे दिए हैं, क्योंकि इसके बाद हमें बच्चों को धीरे धीरे अंगों के नाम, फलों के नाम, रंगों के नाम, ये सारी चीज़ें याद करवानी है। तो इसलिए पहले हम चित्र के ज़रिए बच्चों को करना सिखाएंगे। तो पहला क्या है यहाँ पे? आम। आम कहाँ दिख रहा है यहाँ पे आपको? यहाँ। बच्चों को ऐसे सिखाइए आम यहाँ पर। केला, केला कहाँ पर है? मिला देंगे। संतरा, संतरा आप कहाँ पर दिख रहा है? ऑरेंज कलर का होता है संतरा, यहाँ। अनार, अनार देखिए यहाँ। नाशपाती ढूंढो, नाशपाती कहाँ है? नाशपाती यहाँ। उसके बाद अंगूर, अब अंगूर को ढूंढते हैं यहाँ। इस तरह से आपको मिलान करवाना है बच्चों को। फलों के नाम बच्चों को याद भी हो जाएंगे और चित्र देखकर बच्चों को आसानी रहेगी ये करने में। अगर बच्चों को नाम सबसे स्टार्टिंग में पढ़ना खुद से नहीं आता तो आप बच्चों को ये बोल सकते हैं कि पहले आप चित्र देख लो, चित्र देखने के बाद आप ढूंढो कि वो नाम कहाँ लिखा हुआ है। तो उस तरीके से भी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे पहले चित्र को ही फोकस करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आ की मात्रा वाले शब्दों को पूरा करके लिखना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, अक्षर और मात्राएँ साथ में लिख दी है। तो इसको जोड़कर हम यहाँ पर शब्द बनाएंगे। म, म पे आ की मात्रा, ल, ल के बाद आ की मात्रा को जोड़ना है। तो म पे आ की मात्रा माँ, और ल और आ की मात्रा ला, माला। च, च पे आ की मात्रा चा, फिर च और आ की मात्रा चा, चा चा। यहाँ पे देखते हैं द, आ की मात्रा दा, म इस पर कोई मात्रा नहीं है दाम, न पर आ की मात्रा ना, और म इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो नाम, ड, ड पर आ की मात्रा डा, ल, ल पर कोई मात्रा नहीं है तो ल, डाल, ब, ब पर आ की मात्रा बा, और फिर त, बात।
इस तरीके से हमने आ की मात्रा का यूज़ करके देखा कि कैसे हम उससे शब्दों को बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं सारे क्वेश्चनों को और बच्चों को ज़रूर प्रैक्टिस करवाइएगा। ये आज का थर्ड पार्ट था, इससे पहले सेकंड और फर्स्ट पार्ट भी ला चुकी हूँ, उनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ।